हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपके फ़ोन में रिचार्ज होते हुए भी, चाहे आपका सिम जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन कोई भी है, तो उसमें रिचार्ज होते हुए भी नेटवर्क नहीं करता है और कॉलिंग आती है जाती है, कॉलिंग बराबर चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ सेटिंग्स के बारे में बताते हैं जिससे आपका जो इंटरनेट की समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स अपनी जो मोबाइल की सेटिंग है उस पर आपको चले आना है। उसके बाद जैसे आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके फ़ोन में आपको मोबाइल नेटवर्क की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। अगर कोई मेरा वीवो है तो मेरे में ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो आपको अगर नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है जो आपका नेटवर्क मोड है वो यहाँ पर आपको 4G, 3G, 2G पे लगा है या खाली 3G या 2G पे लगा है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस पे 4G, 3G, 2G पे सेट कर लेना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर आपकी जो डाटा रोमिंग है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऑफ होगी, यहाँ पे आपको ये सिंपली ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हो ऊपर की साइड, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाता है एक्सेस पॉइंट नेम, मतलब APN शॉर्ट फॉर्म में। तो फ्रेंड, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिसेट टू डिफ़ॉल्ट, मतलब आपको डिफ़ॉल्ट कर लेना है जैसे पहले इसकी सेटिंग्स थी। कभी कभी छेड़खानियों से इसकी सेटिंग बिगड़ जाती हैं। चलिए हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रिस्टोर हो चुका है। इसके पश्चात आपका जो इंटरनेट की समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।